Subscribe and click the bell icon for television updates. मेरा एक्चुअली ये सेकंड शो है आफ्टर 2 years. मतलब मैं 2 साल का गैप आ गया था. मैं आई वॉज रियली एक्साइटेड. ऑल्दो ये है मोहब्बतें के बाद दिस वॉज मच नीडेड ब्रेक, क्योंकि 6 साल शो करने के बाद किसी को भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है. तो 1 साल का तो पता था, लेकिन लॉकडाउन लग गया तो वो अपने आप ही सबको ब्रेक मिल गया. और उसके बाद इवेंचुअली आई गॉट मैरिड, जो कि एक और बहुत ही अच्छी चीज़ हुई. एंड देन आई वॉन्टेड टू गिव सम टाइम टू माई फैमिली एंड माई पार्टनर. सो वो सब इन्जॉय करने के बाद, मतलब कहते हैं ना कि ऊपर वाले की तरफ से एकदम करेक्ट प्लेस्ड होती हैं सारी चीज़ें. हमारी शादी को 6 महीने हुए थे एंड देन आई गॉट एन ऑफ़र फॉर दिस शो. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई, क्योंकि उसी टाइम पे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कैसे आई हैव टू मूव बैक टू बॉम्बे एंड एवरीथिंग, एंड दिस हैपेंड जस्ट राइट इन टाइम. सो आई फील रियली रियली ब्लेस्ड. कोविड के टाइम पे जैसे इन्होंने बताया, आई वाज लकी इनफ कि आई वाज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स हु वाज वर्किंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, और वो भी स्टार का ही शो कर रहा था. और अभी जस्ट तो ख़त्म हुआ है और एक स्टार का शो मैं कर रहा हूँ. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ. खास करके स्टोरी लाइन इस शो की बहुत अच्छी है, और जब स्टोरी सुनाई गई शो की तो मुझे स्टोरी सुनकर ही ऐसा लगा कि मुझे इस स्टोरी का हिस्सा बनना है. और उसके बाद जब मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में सुनाया गया, किरदार के बारे में सुनाया गया, तो मुझसे रहा नहीं गया. मैंने सोचा कि भाई ये तो मुझे करना ही है. सो एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस शो. मुझे जब ये शो का ऑफ़र आया था, संदीप सर ने मुझे एक्सप्लेन किया मेरा कैरेक्टर और शो के बारे में मुझे पता चला, तो मुझे बहुत खुशी हुई. क्योंकि जब कहानी से आप कनेक्ट कर पाते हो, रिलेटेबल स्टोरी होती है. और बहुत प्यार करते हैं कि स्टोरी बहुत सिंपल है. एक लड़की के बारे में है हु इज़ हैविंग दिस लिटिल गर्ल चाइल्ड एंड शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर एज अ सिंगल मदर, और वो कैसे एक माँ और एक बाप का रोल निभा रही है उसकी लाइफ में, एंड हाउ शी एंड्स अप मैरिंग अ सुपरस्टार. तो एक सिंपल सी लड़की जो कि एक सुपरस्टार शादी कर लेती है, और ये बीच में इनकी कड़ी है एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है जून. तो ये बहुत प्यारी सी कहानी है. मेरा कैरेक्टर है कामना मल्होत्रा का, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है. और क्योंकि मैं नेगेटिव कैरेक्टर पहले भी कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है मैं बड़ी प्रो हूँ वो करने में. लेकिन मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि एज एन एक्टर आई थिंक हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जितना बेहतर कर सकते हैं, ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ फैक्टर डाल सकें, कुछ अलग कर सकें. तो वही कोशिश रहेगी मेरी. मेरा ये मानना है कि मुझे उन्हीं स्टोरीज़ के साथ जुड़ना है जो स्टोरी सुन के मुझे उस स्टोरी का हिस्सा बनने का मन करे. और जितना भी मैंने पीछे भी काम किया है, उनकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी है. ऑडियंस ने वो स्टोरी को अप्रिशिएट किया है. और स्टोरी के बाद आता है कि आपका किरदार. सो किरदार वैसा होना चाहिए कि स्टोरी को आगे बढ़ाने में वो हेल्प करे. सो ये दो पहलू जो हैं वो अगर करेक्ट बैठ जाते हैं तो फिर वो किसी भी एक्टर के लिए उसको काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन लेवल बहुत हाई रहता है. क्योंकि सालों साल तक आपको काम करना है, तो आपको वो काम एंजॉय भी करना है. सो अगर ये दोनों ही चीज़ें इस शो में हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी. टाइपकास्ट जैसा टीवी में कुछ नहीं होता है. अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, यू नेवर नो. कई बार मैंने देखा है कि अ गर्ल हु इज़ प्लेइंग अ सिंपल हाउसवाइफ इन सम शो, वो किसी और शो में एक नेगेटिव बन के आ जाती हैं. सो स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ होती है फॉर सम पीपल, बट मैंने अब तक कहीं पे भी नहीं देखी है. मुझे कभी किसी ने स्टीरियोटाइप नहीं किया, ना मुझे इस चीज़ से डर लगता है. इनफैक्ट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ओवरवेल्म कि मुझे ऑडियंस से ये कैरेक्टर करने के बावजूद इतना प्यार और अटेंशन मिलता है. पहले मैं सिमी के कैरेक्टर में बहुत सिंपल सी लड़की थी, लेकिन जब मैंने नेगेटिव बनी तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ऑडियंस को ग्रे शेड्स एंड नेगेटिव शेड्स भी देखना पसंद है, एज मच एज दे वांट टू सी द मेन पॉजिटिव कैरेक्टर्स. क्योंकि वो ही शो में थोड़े से स्पाइस लेके आते हैं या कुछ. और बहुत प्यार करते हैं एक ऐसा शो है जहाँ पे एक एक कैरेक्टर को बहुत ब्यूटीफुली प्लेस किया गया है, और इसीलिए ये कहानी इतनी डिफरेंट है बाकी शोज से, और इसीलिए शायद ऑडियंस हमारी रिलेट कर सकेगी. पहले शायद आई डोंट नो, पहले भी करते थे. मतलब मैंने तो अपने टाइम में कुमालिका एंड रमोला सिकंदन किन को नहीं देखा है, लेकिन डरते शायद जजमेंट से हैं लोग. मैं नहीं डरती जजमेंट से लोगों के, क्योंकि अगर आप ये सोचना छोड़ दें जिस दिन कि नेगेटिव, अगर लोग आपको कोई हेट कमेंट कर रहे हैं या आपसे नफ़रत कर रहे हैं, तो वो आपसे नहीं, आपके किरदार से कर रहे हैं, क्योंकि आप शो में ऐसी हरकतें कर रहे हैं प्रोबेबली. तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप सक्सेसफुल हुए क्योंकि आपने अपना बेस्ट किया है। और रही बात पहले ज़माने की या अभी की, तो अब ज़माना बदल चुका है, बहुत वाइड सोच हो चुकी है लोगों की, जजमेंट्स कम हो चुके हैं, तो शायद चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। सिमिलैरिटी शायद आप सिर्फ इतनी सी कह सकते हैं कि वहाँ पे भी एक लड़का और लड़की एक बच्चे की वजह से साथ आते हैं, एंड देन द स्टोरी रिवॉल्व्स। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे सर ने भी पहले कहा था कि यहाँ पे एक बच्ची ने अपने बाप को अडॉप्ट किया है, एक सिंगल मदर है जो कि अपनी बेटी के साथ रह रही है, एंड कैसे एक बच्ची को बाप की ज़रूरत महसूस होती है, एंड हाउ शी कम्स अक्रॉस टू द सुपरस्टार, और कैसे लोगों की शादी होती है। तो रिलेटेबल शायद इतना ही है, लेकिन ये कहानी डेफिनेटली बाकी सारी कहानियों से अलग होने वाली है, बाकी सारे शोज़ से अलग होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत साल काम किया है और उसके बाद अगर मैंने इस शो के बारे में सुना है, और मैंने हाँ इसीलिए भरी है क्योंकि मुझे लगता है कि स्टार भारत एक बहुत अलग शो लेके आ रहा है जो बहुत लोगों को पसंद आएगा। ये शो की कहानी बहुत यूनिक है और रियल स्पेस में है, जैसे आजकल चलता है लाइफ में। हम एक्टर्स को क्रिएटिव टीम की तरफ से ब्रीफ भी वैसा ही मिला था कि आप इसको ज़्यादा ड्रामेटिक या ज़्यादा ओवर मत कीजिए, बहुत ही रियल स्पेस में कीजिए, क्योंकि आजकल जो ऑडियंस है बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। जब वो टीवी ऑन करती है तो टीवी में बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, बहुत सारा कंटेंट देखती है, तो अब वो पहले जैसा नहीं रहा कि ओवर द टॉप कुछ करना है। सो उस हिसाब से ये स्टोरी भी यूनिक है और उसका अप्रोच टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट भी बहुत रियल स्पेस में है। सो आप टीवी ऑन कीजिए 5 जुलाई को और इस शो से जुड़िए, और हमें उम्मीद है कि ये शो आपको, और अभी बारिश का मौसम चल रहा है, 3-4 दिन बचे हैं, तो बहुत प्यार करते हैं वाला गाना सुनिए, रेडियो पे सुनिए, अपने एयरपोर्ट पे सुनिए, और साथ साथ स्टार भारत पे 5 जुलाई से हमारा शो देखिए।